गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन का प्रथम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल मैंने प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में आपको रूल्स बता दिए थे, आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष दर का 1 जनवरी 2016 को 5000 रुपये, सदस्यता शुल्क क्लब के 300 सदस्यों से 15 रुपये प्रति सदस्य लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम चंदा दे दिया है। वेतन दर का 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से नवंबर 2016 तक का वेतन दिया गया है। किराया 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से जून 2017 तक का किराया चुका दिया है। फर्नीचर माह दिसंबर 2016 में फर्नीचर के लिए 1000 रुपये अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ और विविध व्यय वर्ष में 1000 रुपये के विविध व्यय हुए, जिसमें से 150 रुपये देना बाकी है। तो इस तरीके से हमें पूरा चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता यहाँ पर बनाना है। जब हम सबसे पहले मटेरियल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रिसिप्ट है प्राप्ति और कौन सी चीज़ें भुगतान है। जब हम अच्छे से पहचान लेंगे कि ये प्राप्ति ये भुगतान है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें परेशानी नहीं होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो लगेंगे उसमें क्लब का नाम लिखेंगे, क्लब का नाम है चेतना क्लब। टाइटिंग करने से पहले आप सबसे पहले जो भी क्लब का नाम चेक कर रहे इसका चेतना क्लब या लिखेंगे चेतना क्लब, उसके नीचे लिखेंगे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फिर उसके नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडिंग, पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर लीजिए for the year ending on 31st December 2016. कॉलम तैयार करिए, इसे पेमेंट अकाउंट से जो कॉलम होते हैं वो इस तरीके से होंगे, इधर डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम रिसिप्ट बोलते हैं। क्या है डेबिट साइड में रिसिप्ट, फिर अमाउंट के कॉलम आप रुपीज का साइन बना दीजिए और इधर आप रुपीज साइड लेंगे क्रेडिट साइड में पेमेंट और फिर रुपीज। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऊपर चेतना क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2016। डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, और ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 5000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस करके लिखेंगे 5000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस के बाद लिख रखा है आपको ऊपर शेष हो गया फिर का सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क होता है मेंबरशिप फीस, यहां पर लिखेंगे टू मेंबरशिप फी, टू मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस के बारे में लिखते हैं कि क्लब के 300 सदस्य हैं जिनसे 15 रुपए प्रति सदस्य चंदा लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। वर्ष मतलब जिस साल का हम सवाल करें कौन से 2016 का। तो देखिए 2016 के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 300, उसमें से 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। तो कितने सदस्यों ने वर्ष का चंदा दिया 275 सदस्यों, और एक सदस्य से जो चंदा लेना वो कितना लेना था 15 रुपए। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 105 + 7 = 112। तो 15 × 30 और 11 कितने
4125 रुपए या इसका भी टू करेंगे 275 में 15 का 15 का 5 सिलाई सात 15 × 105 और 7 112 का 2 सिलाई 11 15 20 और 11 ये साथ में इसे लेकर के 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम चंदा दे दिया। आगामी वर्ष मतलब 2017 कितने सदस्यों ने दिया 5 सदस्यों ने, एक सदस्य से कितना चंदा देना था 15 रुपए, तो टोटल कितना रुपया हुआ 75 रुपए, तो 4200 रुपया बाहर कर देंगे। तो ये हमारा मेंबरशिप फीस हो गया। मेंबरशिप फीस के बाद आता वेतन, वेतन भुगतान है तो पेमेंट साइकिल लिखिएगा। वेतन क्या होता है, पेमेंट करना होता है, तो इस साइड लिखेंगे हम बाय सैलरी। अब सैलरी के बारे में लिखा है कि 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से नवंबर 2016 तक, हम सवा 2016 के करें, एक साल में 12 महीने लेकिन इसने नवंबर 2016 तक ही दिया, यानी जनवरी हमारे ईयर एंड हो रहा दिसंबर को, एक महीने की सैलरी नहीं दी, मतलब कितने महीने की सैलरी दी 11 महीने की सैलरी दी, तो 11 महीने की सैलरी दिया जाएगी 300 का इनको 11 में कर दीजिए, कितना हो गया 3300। वेतन के बाद किराया तो लिखेंगे बाय रेंट। रेंट के बारे में लिखा है कि 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से जून 2017 तक दिया, हम सवाल 2016 का कर रहे हैं, वो इसमें किराया कब तक दे दिया 2016 का भी दिया और 2017 का जून तक दिया। 2016 के तो 12 महीने का किराया दिया और 2017 में कब तक किराया दिया जून तक, यानी कि 6 महीने और जो किराया दे रखा था 150 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने का 150 रुपए से कितना होता है 1800 रुपए और 6 महीने का 150 रुपए से 900, यानी करंट ईयर का जो किराया है वो 1800 और जो एडवांस में रेंट दे दिया 900, यानी टोटल जो किराया दिया है वो है 2700 रुपए। रेंट के बाद में आता फर्नीचर, फर्नीचर भी खरीदा है तो लिखेंगे हम बाय फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 2016 में फर्नीचर के लिए 1000 रुपए दिए, वर्ष के अंदर तक 150 का फर्नीचर प्राप्त हुआ, फर्नीचर कितना कितने का प्राप्त होता है उससे मतलब नहीं है, हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नियम में जितना भी रुपया प्राप्त होगा वो सब रिसिप्ट, जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट। अब फर्नीचर कितने का आया उसका मतलब नहीं, हमें फर्नीचर के लिए पेमेंट कितना करना वो देखिए, 1000 रुपए पेमेंट कराए तो हम 1000 रुपए यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया आया तो पेमेंट की बात करेंगे कैश की तो 1000 रुपये। उसके बाद में विविध व्यय यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट हुआ है तो लिखेंगे बाहर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो विविध व्यय, विविध व्यय के बारे में लिखा है कि वर्ष में 1000 रुपए के विविध व्यय हुए हैं जिसमें से 150 रुपए देना अभी बाकी है, भाई विविध में टोटल कितने गए थे 1000, जिसमें से अभी 150 रुपए देना बाकी है, तो हमने दिए कितने हैं, जितने दिए थे उसकी एंट्री करेंगे, हमने 850 रुपए अभी तक विविध व्यय दिए हैं। तो इस प्रकार से सारा मटेरियल हो गया। अब हम टोटल आ रहे हैं तो डेबिट साइड का टोटल है, रिसिप्ट का जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का वह आ रहा है 9200 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, टोटल लगा लीजिए 7850 रुपए क्रेडिट साइड का टोटल है, डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो 1350 रुपए क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी और ये टोटल बैलेंस आ गया 1350 रुपए और टोटल हो जाएगा 9200। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट, रिसिप्ट का जो टोटल ज्यादा होता है पेमेंट का टोटल कम है तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 1350 रुपए आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।